क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आप गर्भवती होते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक तरह की चीज़ें खाने का मन क्यों करता है? फूड फूड क्रेविंग्स क्यों होती हैं प्रेगनेंसी में? और क्या एक्चुअली वो फूड क्रेविंग्स वाले खाना आपको खाना चाहिए? क्या वो सेफ है या नहीं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और ये सारे वीडियोस जो हैं सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशंस होते हैं जो डायरेक्टली US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से रेफरेंस्ड हैं। तो ये सारा डेटा जो है, सारी इंफॉर्मेशन जो है, ऑथेंटिक है, मोस्ट लेटेस्ट हैं, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी हैं, 200-250 के आसपास वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के मल्टीपल वीडियोस हैं, आप जाके मल्टीपल वीडियो मल्टीपल सीरीज को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उस टॉपिक के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड क्रेविंग्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि क्यों आपका मन करता है तरह तरह की चीज़ खाने के लिए, खट्टा खाने का क्यों मन करता है और क्या आपको आपके फूड क्रेविंग्स फ्रीली फॉलो करनी चाहिए या नहीं। आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, आपने प्रोबेबली सुना होगा कि औरतों को गर्भवती अवस्था में खट्टा खाने का मन करता है, तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है, लेकिन ये सिर्फ खट्टे तक सीमित नहीं है। कई औरतों को चॉकलेट खाने का एकदम बहुत ज़ोरदार मन करता है, कुछ स्पेसिफिक प्रकार की आइसक्रीम खाने का, स्पाइसी फूड खाने का, किसी प्रकार का फ्रूट खाने का, कभी कभी कोई कंफर्ट फूड जैसे कि पिसे हुए आलू, मैश्ड पोटैटोस खाने का, कुछ सीरियल, कभी सिर्फ वाइट ब्रेड खाने का भी मन करता है। तो ये क्या है, क्यों होता है, क्या आपको ये खाना चाहिए? दोस्तों, पहले के ज़माने में पुरानी कुछ थ्योरीज थी इस पे कि आपका जो शरीर है वो आपको इंडिकेशन देता है। भूख इन चीज़ों की इसलिए लगती है क्योंकि आपके शरीर में इन चीज़ों में, इन खाने पीने की चीज़ों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है, इसलिए आपका शरीर आपके दिमाग को इंडिकेट करता है कि भाई खट्टा खाओ, खट्टा खाओ, खट्टा खाओ, इसलिए आपको खट्टा खाने का मन करता है। तो ये थ्योरी थी पहले की। अनफॉर्चुनेटली रिसर्च में ऐसा निकल के नहीं आया है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपको न्यूट्रिशन की कमी है इस वजह से आपको कुछ खाना पीने का मन करता है, इस प्रकार की स्पेसिफिक चीज़ें। अब तक ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्यों ऐसा मन करता है किसी भी तरीके के रिसर्च में, लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि अगर आपका ये सब खाने का मन करता है तो आप फ्रीली अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, आप खा सकते हो आपको जो खाना है कुछ चीज़ों को छोड़ के। क्यों? क्योंकि कई औरतों का दोस्तों यहाँ तक मन करता है नॉन फूड आइटम्स जैसे कि मिट्टी, कई औरतों का मिट्टी खाने का मन करता है बहुत जोर से, खासकर बारिश के मौसम में। क्या आपको मिट्टी खानी चाहिए प्रेगनेंसी में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिट्टी नॉन फूड आइटम्स जो हैं आपको और आपके बच्चे को दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं बहुत ही ज्यादा। अगर आपको ऐसे कोई अर्जेस होते हैं नॉन फूड आइटम्स खाने के तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि कई दफा आपका खुद पे कंट्रोल भी नहीं रहता, तो इसीलिए डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर उसके लिए आगे आपको सलाह देंगे। और बाकी जितनी भी चीज़ों के लिए आपको अर्ज होता है, क्रेविंग्स होती हैं, जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल बिंदास उसे खा सकते हो। और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है क्या ये चीज़ हेल्दी है या नहीं, तो आप हमारे पिछले दो वीडियोस देख सकते हैं, उनमें हमने प्रेगनेंसी की सीरीज़ में ऑलरेडी समझाया है एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में कि आप क्या क्या खा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, ज़्यादा खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें समझाई गई है। प्रेगनेंसी डाइट और प्रेगनेंसी डाइट इन वेजिटेबल वेजिटेरियन और प्रेगनेंसी डाइट शाकाहारी लोगों के लिए वो भी समझाया गया है।
आप पुराने दो वीडियोस हमारे चैनल पे जाके प्रेगनेंसी के आरएक्स प्रेगनेंसी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। खुल के अपनी इच्छाएं पूरी करिए, जो खाना खाने का मन है वो खाइए। बस ये ध्यान में रखिए कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा आपने फैट नहीं खाना है। ये दो चीज़ों का ध्यान आपने रखना है और आपकी रिक्वायरमेंट जो है हमारे पुराने वीडियो के हिसाब रिकमेंडेशंस के अनुसार पूरी होनी चाहिए। देखते रहिए हमारा चैनल। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में, हम आपको बताते रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना बेहतर है। जैसे कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं लेनी चाहिए। ये अगले वीडियो का टॉपिक है जो जल्द ही आएगा, शायद जो कि कल आएगा। देखते रहिए हमारा चैनल दोस्तों, और हम बात करेंगे। और जो लोग मुझे नहीं जान, और अगर कोई चीज़ के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, हम ज़रूर जवाब देंगे। हर एक कमेंट का जवाब हम देते हैं, हर एक लाइक को हम अप्रिशिएट करते हैं। जितने ज़्यादा आप हमें सराहना देंगे उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने का। वीडियो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि तभी आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ज़्यादातर हमारे वीडियो जो हैं सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे आते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली NCR, और ये है मेरा चैनल डॉक्टर परमजीत। कल मिलते हैं दोस्तों, अगली बार तक स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।